हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिजाइन फेज। तो डिजाइन फेज का मेन पर्पस क्या है कि जो एसआरएस डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया उनमें जो जो मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को मेरे को क्या करना है, सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना है। और सोल्यूशन जो है मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हम सिर्फ यहाँ पे डिजाइनिंग पार्ट कर रहे हैं कि उन चीजों को हम एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिजाइन डॉक्यूमेंट। मतलब आपने एसआरएस डॉक्यूमेंट दिया और डिजाइन फेज के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे जो मेन पर्पस आपका, मैं बता दूं कि मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दो हैं, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेजन, एक कॉन्सेप्ट ऑफ कपलिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यही दो मेन पॉइंट है, बस इन दोनों पॉइंट के ऊपर हमने मेन फोकस करना है। तो यहाँ पे देखो कहानी स्टार्ट होती है आपकी मॉड्यूल से। मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल इज अ कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट सेवरल फंक्शंस एसोसिएटेड डेटा स्ट्रक्चर। मॉड्यूल को आप कंपेयर कर सकते हो जैसे काइंड ऑफ क्लास। उस क्लास के अंदर मेरे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। हर एक मेथड्स के अंदर, मेथड मतलब काइंड ऑफ फंक्शन, और उन फंक्शंस के हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से हमारा एक मॉड्यूल जो है वो कलेक्शन ऑफ क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरियस फंक्शंस, और उन फंक्शंस के एसोसिएटेड हमारे पास क्या है, डेटा है, उनके एट्रीब्यूट्स हैं, और उनको स्टोर करने के लिए हमने जो एक्चुअल में डिजाइन बनाया है दैट इज कॉल्ड अ डेटा स्ट्रक्चर। गेटिंग द पॉइंट? ताकि उसको हम एक प्रॉपर डिजाइन में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में उसको स्टोर कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मॉड्यूलैरिटी में। गुड डिजाइन का मतलब क्या है कि जो मॉड्यूल्स हम बना रहे हैं ना, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को हमने किया क्या, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया। अब यहाँ पे मॉड्यूल्स एक्चुअली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमने इसके अंदर डाले, और इन मेथड्स को या फंक्शंस को आप बोल सकते हो दीज आर द वेरियस फंक्शन। इन फंक्शंस के आगे क्या है आपके पास, एट्रीब्यूट्स। तो हम क्या चाहते हैं एक्चुअल में कि अगर हमने इनको डिवाइड किया ना अलग अलग मॉड्यूल में, तो इनके बीच में डिपेंडेंसी कम से कम हो। गेटिंग द पॉइंट? डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम हो, ताकि जैसे वही यार कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम करते हैं ना, हजार्ड वगैरह हमने डिस्कस किए कि यार अगर एक स्टेज ने कोई काम किया और दूसरी स्टेज कुछ काम करना चाहती है, तो ऐसा ना हो कि वो वेट कर रही है कि पहली स्टेज अपना काम कब कंप्लीट करेगी, तब जाके मैं अपना काम जो है वो नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट करे। अगर ये चीज डिपेंडेंसी होती है, उसकी वजह से ऑब्वियसली आपका टाइम का भी गैप होगा, यहाँ पे टाइम का डिले करोगा, ठीक है, एफर्ट्स भी आपके ज्यादा लगेंगे। सो वी ट्राई टू रिड्यूस द इंटरडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या करना है, कम से कम करना। और ये अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर। वही सेम चीज एल्गोरिथम की तरह, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करो, फिर उनको जो है बिल्कुल बेसिक सब प्रॉब्लम पे ले आओ, और फिर उनको कंबाइन करके बड़ी प्रॉब्लम में, बड़े सोल्यूशन में आप कह सकते हो कन्वर्ट कर लो। तो ये मेन कहानी है मॉड्यूल्स की। तो ये आपकी वही जो थ्योरी मैंने बताई दी आपको लिखी हुई है। तो देखो एग्जाम्पल ऑफ क्लीनली एंड नॉन क्लीनली डीकम्पोज। तो देखो यहाँ पे मेरा मॉड्यूल है, उन मॉड्यूल्स को हमने फर्दर इस तरीके से डिवाइड किया। तो ये देखो प्रॉपर उनके बीच में हमने डिपेंडेंसी काम है, मतलब ये मॉड्यूल है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दो मॉड्यूल आए, फिर हमारे पास इस मॉड्यूल के बाद ये मॉड्यूल आए। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इनके बीच में देखो डिपेंडेंसी कितनी है। ये मॉड्यूल है, उसके बाद दोबारा फिर हम इसी मॉड्यूल पे पहुंच गए, ये मॉड्यूल हुआ, फिर हम दोबारा इसी मॉड्यूल के ऊपर, कोई ना कोई डिपेंडेंसी है। मतलब यहाँ पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इन डिपेंडेंसीज को हमने क्या करना है, कम से कम करना है यूजिंग दिस डिजाइन टेक्निक। अब यहाँ पे जो दो मेन पॉइंट आते हैं, दैट इज अ कोहेजन एंड कपलिंग। कोहेजन जो है, हमेशा याद रखना, स्टूडेंट हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कोहेजन का वैसे भी बेसिक मतलब क्या होता है, टुगेदरनेस, मतलब ग्रुप। तो टुगेदरनेस या ग्रुप का मतलब क्या है कि कोहेजन हमेशा हम बात करते हैं एक मॉड्यूल के अंदर, मतलब विद इन द मॉड्यूल वेरियस फंक्शंस, वेरियस मेथड्स, वेरियस एट्रीब्यूट्स, उनको हम किस तरीके से ग्रुप कर रहे हैं, गेटिंग द पॉइंट, ताकि वो एक टीम की तरह काम करें, एक प्रॉपर मॉड्यूल की तरह जो है वो काम करें। और कपलिंग का मतलब क्या है, विद इन द मॉड्यूल्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा मॉड्यूल के बीच में जो डिपेंडेंसी है, हम कपलिंग में उसकी बात करते हैं, और कोहेजन में हम बात करते हैं विद इन द मॉड्यूल हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, वो आपस में इकट्ठा एज ए टीम कैसे काम करेंगे। तो ऑब्वियसली मेरे को विद इन द मॉड्यूल चाहिए हाई, आप कह सकते हो टुगेदरनेस ज्यादा चाहिए, मतलब हाई कोहेजन चाहिए एंड लो कपलिंग चाहिए। इसके ऊपर गाइस दो से तीन बार क्वेश्चन आया हुआ है, सेम, गेटिंग द पॉइंट। तो इसीलिए ये पॉइंट जो है वो अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। सो कोहेजन इज अ मेजर ऑफ फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉड्यूल, ए कोहेसिव मॉडल परफॉर्म अ सिंगल टास्क एंड फंक्शन। मतलब ये विद इन द मॉड्यूल हम बात कर रहे हैं, और कपलिंग में हम बात करते हैं विद इन द टू और थ्री मॉड्यूल्स, मतलब ये
इंटर मॉड्यूल है और कोहेजन जो है वो इंट्रा मॉड्यूल है, इंट्रा मतलब मॉड्यूल के अंदर, और ये है विद इन द मॉड्यूल्स, ठीक है ना, ये इंटर मॉड्यूल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी फर्दर टाइप्स भी हैं, ठीक है ना, मल्टीपल, जैसे यहाँ पे फंक्शनल है, सीक्वेंशियल है, कम्युनिकेशनल, प्रोसीजरल, टेम्पोरल, लॉजिकल, कोइंसिडेंशियल, ठीक है। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा देखें तो आपको यहाँ पे काफी कुछ जो है वो छोटे छोटे पॉइंट जो है वो पता लगेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें लॉजिकल कोहेजन की, तो लॉजिकल कोहेजन का मतलब क्या है कि विद इन द मॉड्यूल, विद इन द मॉड्यूल अगर हम बात करें, परफॉर्म द सिमिलर ऑपरेशन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल्स परफॉर्म द सिमिलर ऑपरेशन लाइक एरर हैंडलिंग, डेटा इनपुट, डेटा आउटपुट, उन सबको हम कोशिश क्या करेंगे कि एक ही मॉड्यूल में फिट करने की, मतलब जो लॉजिकली आपस में रिलेटेड है उनको एक तरह के एक ही मॉड्यूल में डालो। ऐसे फंक्शनल की अगर हम बात करें तो फंक्शनल में मतलब एक मॉड्यूल के अंदर जो जिनकी फंक्शनैलिटी सेम है, जैसे अगर हम बात करें कोई अटेंडेंस सिस्टम है, तो अटेंडेंस सिस्टम में अगर मुझे अटेंडेंस मार्क करनी है, अटेंडेंस व्यू करनी है, अटेंडेंस डिलीट करनी है, मतलब ये सारे एक ही फंक्शन से रिलेटेड है, तो इनको क्या करो एक ही मॉड्यूल के अंदर डालने की कोशिश करो। ऐसे टेम्पोरल मतलब जो सेम टाइम पे अक्कर हो रहे हैं, सेम टाइम स्पैन पे अक्कर हो रहे हैं, उनको आप एक ही मॉड्यूल में डालने की कोशिश करो। प्रोसीजरल जो सेम एल्गोरिदम पे काम कर रहे हैं, मतलब एल्गोरिदम जिनका सेम है उनको आप एक ही मॉड्यूल में डालो। कम्युनिकेशनल, कम्युनिकेशन मतलब अगेन भाई, कम्युनिकेशन मतलब कि जहां पे डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर लेट से कोई एक मॉड्यूल है उसके अंदर लेट से मैंने कोई वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर किए, अब उन्हीं मॉड्यूल्स को, उन्हीं वैल्यूज को कोई और भी यूज कर रहा है, तो ट्राई करो कि उन फंक्शंस को, उन वैल्यूज को एक ही मॉड्यूल में डालने की, ताकि कम्युनिकेशन जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ऐसी सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल में मतलब कि अगर लेट से एक है उसकी आउटपुट जो है वो दूसरे में इनपुट जा रही है, उसकी आउटपुट तीसरे, मतलब इस तरीके से अगर सीक्वेंशियली आपस में वो रिलेटेड है तो उनको एक ही मॉड्यूल में डालने की कोशिश करो। जैसे पहले सॉर्ट करना है, फिर सर्च करना है, फिर डिस्प्ले करना है, तो इसको क्या करो एक ही मॉड्यूल में डालने की कोशिश करो, ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम हो। गेटिंग द पॉइंट? तो ये इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप्ड टुगेदर कर रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस को विद इन द मॉड्यूल। गेटिंग द पॉइंट? तो वही कहानी इसमें बता रखी है। और अगर हम बात करें कपलिंग की, तो कपलिंग में हम बात करते हैं विद इन टू मॉड्यूल्स, मतलब यहां पे हमारे पास कपलिंग जो है वो क्या कहता है, लो होनी चाहिए। कपलिंग मतलब कि ये मॉड्यूल और ये मॉड्यूल आपस में, जैसे हम बोलते हैं ना कपल्स, ये मॉड्यूल और ये मॉड्यूल आपस में कपल है, तो हम चाहते हैं कि इनके बीच में डिपेंडेंसी कम से कम हो, ठीक है ना, फ्रीली मूव कर सके। मतलब मैं रियल लाइफ एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ ना, जब तक नॉर्मल दोस्त बन के रहते हैं ना तब तक तो ईजी रहता है, जैसे ही कपल बन जाते हैं ना फिर वही है कि तूने ये नहीं करना, वो कहता है तूने ये नहीं खाना, तूने ये नहीं पहनना, तूने उससे बात नहीं करनी, तूने इससे बात नहीं करनी, मतलब वही बात होगी ना कपलिंग वाला, कि जब कपल बन जाते हैं फिर एक दूसरे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने लग जाते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, और तो ज्यादा लड़के ही लगाते हैं। बट कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कपलिंग में हमारे पास क्या है, डिपेंडेंसी ज्यादा है, तो हम इन डिपेंडेंसीज को कम से कम करना चाहते हैं, इसकी डिग्री को हम कम से कम करना चाहते हैं। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द कपलिंग। जैसे देखो सिंपल सी एग्जाम्पल से मैं बताऊं, डेटा कपलिंग, डेटा कपलिंग का मतलब क्या है, एक मॉड्यूल M1 है, दूसरा मॉड्यूल M2 है, अब M1 पहले एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा फिर M2 होगा, अब लेट से इसको कोई डेटा चाहिए और वो डेटा जो है वो इसके पास पड़ा है, मतलब जब ये एग्जीक्यूट होगा तब जाके वो दूसरे को डेटा प्रोवाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे पास डेटा से रिलेटेड दोनों के बीच में क्या है, डिपेंडेंसी। तो जहां पे भी इस टाइप की डिपेंडेंसी आ गई तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। गेटिंग द पॉइंट? मतलब पहले ये मॉड्यूल कंप्लीट होगा तब दूसरा मॉड्यूल जो है वो उसको डेटा मिलेगा, दैट विल बी अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ऐसे स्टेम्प कपलिंग, स्टेम्प कपलिंग में हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर, मतलब कि मेरा कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर जो है वो इधर से इधर क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे को वहां पे भी क्या होगी, डिपेंडेंसी होगी। जैसे हम लिंक लिस्ट की बात करें या अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन इधर की और उसको यूज हम इधर वाले में भी कर रहे हैं, अगेन वही कंट्रोल, इफ एल्स, इफ एल्स वगैरह मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और उसका कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो मैं दूसरे मॉड्यूल में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में जो है वो क्या बन जाती है, डिपेंडेंसी बन जाती है। ऐसी एक्सटर्नल के केस में अगर हम बात करें, तो लेट से अगर कोई मॉड्यूल एग्जीक्यूट कर रहा है कोई काम और बीच में उसको किसी और मॉड्यूल का, किसी और एक्सटर्नल प्रोग्राम की जरूरत है, एक्सटर्नल फाइल की जरूरत है, जैसे हम कहते हैं ना आयो, इनपुट आउटपुट की, रन करते करते उसको बीच में इनपुट आउटपुट चाहिए,
कोई एक्सटर्नल जो है वो वहां पे कोई ना कोई लिंक उसका बना हुआ है, तो वो एक्सटर्नल की वजह से वहां पे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो वो एक्सटर्नल कपलिंग को भी हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। यहाँ पे लिखनी हुई आप इसको लिख लेना एक्सटर्नल। ऐसी हमारे पास आगे कॉमन कपलिंग, मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स जो है वो मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिफाइन किए हुए हैं, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, वही क्रिटिकल सेक्शन की तरह, तो वो प्रॉपरली इस चीज को यूज कर सकें, एक दूसरे में इंटरफेरेंस ना करें। तो इस चीज को हमें क्या करना है, कम से कम करने की कोशिश करनी है। सो दिस इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ द डिजाइन फेज की कपलिंग को ये लो करने की कोशिश करता है, और जो कोहेजन है उसको क्या करता है, हाई करने की कोशिश करता है। ये थ्योरी है, आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है ना। मैंने जो मेन मेन पॉइंट आपको बताने थे वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसमें है ही थ्योरी यार, इसमें कुछ बताने वाली चीज ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये भी छोटा सा पॉइंट सुन लो, फैन इन, पता लगे डायग्राम कुछ इस तरीके से दे दिया और आपको बोल दिया फैन इन और फैन आउट निकालो। तो फैन इन का मतलब क्या है, ये देखो डायग्राम से आपको पता लग जाएगा। फैन इन का मतलब क्या है कि इनवर्ड्स, मतलब आपके पास इन डिग्री। सिंपल सी बात याद रखो कि अगर आपके पास कोई इस तरीके से ट्री या ग्राफ दिया हुआ है, तो इन डिग्री जो है वो क्या है, फैन इन, और आउट डिग्री जो है वो क्या है, आपकी फैन आउट। तो देखो M1 की अगर हम बात करें, इन डिग्री मतलब इसकी तरफ कोई एरो आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसकी इन डिग्री क्या है, जीरो, यानी इसका फैन इन क्या है, जीरो, और फैन आउट क्या हो गया, टू, मतलब यहां से दो आगे जा रहे हैं, दैट विल बी फैन आउट। इसकी अगर हम बात करें तो देखो इसका ऊपर से एक एरो आ रही है ना यहाँ पे, ये वाली, तो यानी इसकी फैन इन क्या है, वन, और फैन आउट की अगर हम बात करें तो यहां से देखो एक बाहर जा रहा है, तो दिस इज अ फैन आउट वन। M6 की अगर हम बात करें तो देखो ऊपर से दो एजेस आ रही हैं, यानी इनवर्ड्स, मतलब इन डिग्री इसकी दो है, तो यानी फैन इन दो है, लेकिन फैन आउट क्या है, जीरो, क्योंकि अगर लीफ है तो लीफ का आगे कोई होगा ही नहीं, तो यानी इसका फैन आउट क्या होगा, जीरो। ये भी पॉइंट छोटे छोटे याद रखना, नोट कर लेना, पता लगे डायग्राम में कुछ इस तरीके से आपको पूछ लिया। सो फैन इन इंडिकेट्स हाउ मेनी मॉड्यूल्स डायरेक्टली इनवॉल्व अ गिवन मॉड्यूल एंड व्हाट इज अ फैन आउट। फैन आउट यहां पे हो गया ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अ गिवन मॉड्यूल, मतलब यहां पे डिफरेंट मॉड्यूल्स जो एक मॉड्यूल को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली फैन आउट हम चाहते हैं कम से कम हो, और फैन इन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, ताकि मेरा डिजाइन जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से बन पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोहेजन एंड कपलिंग। तो ये इसके जो क्वेश्चन है, आपके तीन चार क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लेना, ठीक है गाइस, थैंक यू।